अतीक की हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अतीक भाई बोलेंगे, अतीक मामले में इरफान भाई, अतीक मामले में कुछ बोलेंगे। महाराजगंज जेल से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सोमवार को कानपुर कोर्ट में पेश ही कर लाया गया। वो पुलिस की गाड़ी से हंसते हुए उतरे। जब उनसे पत्रकारों ने अतीक हत्याकांड पर सवाल पूछे तो उन्होंने हाथ और सिर हिलाकर बोलने से मना कर दिया। इरफान सोलंकी को सोमवार को कानपुर कोर्ट में जजमाऊ स्थित महिला के प्लॉट पर आगजनी मामले में गवाहों के बयानों पर बहस के लिए लाया गया था। करीब एक महीने बाद उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जा रहा है, लेकिन इस बार इरफान सोलंकी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हंसी थी। वहीं पिछली सुनवाइयों के दौरान कई दफा इरफान सोलंकी के चेहरे पर डर देखा गया था, परेशानी देखी गई थी। कई बार तो उनको पुलिस के साथ उलझते हुए भी देखा गया था। आपको बता दें कि अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन पहले ही काफी अलर्ट पर है, इसलिए इरफान सोलंकी की पेशी पर कचहरी में मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। इसके साथ ही पुलिस के साथ साथ भारी संख्या में पीएसी के जवानों की तैनाती की गई थी। जब इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस की गाड़ी से उतरने के बाद इरफान बेटी के हाथ थामे हंसते मुस्कुराते और बात करते नजर आए। पेशी के दौरान परिवार उनसे मिलने आया था, वहीं समर्थकों को देखते हुए उन्होंने रमजान की मुबारकबाद दी, कहा रोजा हूँ, ये सवाब का काम है, ऊपर वाला है, दुआओं में याद रखना। इसके बाद पुलिस उनको कोर्ट में लेकर चली गई। आपको बता दें कि वकीलों की हड़ताल के चलते पिछले एक महीने से इरफान सोलंकी के केस में सुनवाई नहीं हो सकी थी। सपा विधायक महाराजगंज जेल में बंद हैं। सुनवाई के लिए उन्हें हर तीसरे चौथे दिन कोर्ट में पेश होना पड़ता था। इससे परेशान होकर इरफान ने खुद ही कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाए। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार भी कर ली थी, लेकिन हड़ताल में सुनवाई ना होने से कोर्ट ने अर्जी निरस्त कर दी थी। इससे पहले इरफान सोलंकी को 12 अप्रैल को ही कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन महाराजगंज पुलिस ने निकाय चुनाव का हवाला देते हुए विधायक को लाने से असमर्थता जताई थी। ऐसे में कोर्ट ने 17 अप्रैल की तारीख दी थी। इरफान सोलंकी के वकील के मुताबिक प्लॉट पर आगजनी मामले में गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। FIR लेखक के बाद मुकदमे की वादिनी नजीर फातिमा की बेटी के भी बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन गवाहों के बयान पर अभी तक बचाव पक्ष ने बहस नहीं की है। सोमवार को वादिनी नजीर का बयान भी दर्ज कराया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले जब इरफान सोलंकी को पेशी के लिए कानपुर कोर्ट लाया गया था तो कोर्ट परिसर में पुलिस की गाड़ी से उतरते वक्त इरफान काफी थके हुए नजर आए थे और पुलिस पर भड़कते हुए ये कहते हुए नजर आए थे, ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे हम विधायक नहीं जानवर हों। ऐसा कहने पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे इसकी वजह पूछी थी तो इरफान ने पुलिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब दिया था, ना आदमी को पेशाब करने दे रहे हैं और ना कुछ करने दे रहे हैं। इरफान भाई, इरफान भाई अतीक की हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अतीक इरफान भाई कुछ बोलेंगे अतीक मामले में, इरफान भाई अतीक मामले में कुछ बोलेंगे?